दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी भरा एक SMS आया है, जिसमें लिखा गया है कि वो ऐसा करने पर मजबूर हैं। मनोज तिवारी ने धमकी भरा मैसेज मीडिया से साझा किया है। यह धमकी मनोज तिवारी के पर्सनल मोबाइल फोन पर शुक्रवार दोपहर 12:50 पर दी गई। दिल्ली बीजेपी के मीडिया रिलेशन हेड नीलकांत बख्शी ने बताया कि तिवारी ने इस मैसेज को शनिवार शाम देखा। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इस संबंध में मनोज तिवारी ने कहा कि मोबाइल पर मैसेज भेजकर मुझको जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के निर्देश पर स्पेशल सेल की टीम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऐसा कोई डायरेक्टली तो कुछ नहीं हुआ किसी के साथ व्यक्तिगत, और न मैं ऐसी स्थिति आने देता हूँ। मैं तो सबको रुक रुक के सुनता हूँ। और हाँ, पीछे मेरे घर पे अटैक भी हुआ था। मेरे घर में घुस करके लोगों ने तलवार उलवार लेकर के मुझे ढूंढा था। तो एक वो घटना घटी थी, पुलिस को पता ही है, उसमें जाँच भी चल रही है। और ये घटना घटी है, तो मैं समझता हूँ इसको हम गंभीरता से ही लेना चाहिए। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली बात यह है कि कोई डायरेक्ट फ़ोन से अगर दुस्साहस कर सकता है तो उसका दुस्साहस कुछ भी हो सकता है। हमने कल ही इसकी सूचना दे दी थी, और फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाकी लोगों को कैसे बताऊं, लेकिन अब चूंकि पब्लिक फोरम में बात आ गई।